सेल्फ परेशा आचार्य, योर इंग्लिश ग्रामर टीचर। आज हम स्टैंडर्ड 7 का जो यूनिट नंबर 5 है ग्रामर में, इंट्रोगेटिव रिस्पॉन्सेस, वो वाला चैप्टर समझेंगे। उसमें क्या है कि इंट्रोगेटिव रिस्पॉन्सेस मतलब क्या, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इंट्रोगेटिव रिस्पॉन्सेस क्या है। तो कई बार लोग हमें कमांड देते हैं कि कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये करो वो करो, लेकिन कई बार जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आधी होती है। हाँ, जिससे हमें फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। जो वो क्वेश्चन फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जो हम क्वेश्चन पूछते हैं सामने वाले को, तो उसी को ही बोलते हैं इंट्रोगेटिव रिस्पॉन्सेस। जैसे यहाँ पर मैंने कमांड लिखी है, ये टेबल बनाया उसमें यहाँ पर मैंने लिखा है कमांड और इंट्रोगेटिव रिस्पॉन्स। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ फर्स्ट कि गो क्विकली, फटाफट जा, लेकिन जाना कहाँ है, यहाँ पर आधी इंफॉर्मेशन दी है। तो फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए हम पूछ सकते हैं वेयर टू, कहाँ जाना है, क्विकली जाओ हम जल्दी चले जाएंगे, लेकिन जाना कहाँ है, तो वेयर टू। तो ये जो हमने पूछा क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन के लिए, तो इसी को कहेंगे इंट्रोगेटिव रिस्पॉन्सेस। तो ऐसे इंट्रोगेटिव रिस्पॉन्सेस में क्या होगा, तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो आगे आएगा और जो प्रेपोजिशन जो है वो कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। सेकंड हम देखें तो ओपन, इसको ओपन करो, तो किससे ओपन करें, कोई समझ लो कोई बोतल है कोई ऐसी चीज है, तो आपको कमांड दिया कि ओपन इसको ओपन करो, तो किससे करें, व्हाट विद, ओपन तो कर दे लेकिन किससे करें, ओपनर है कि कुछ है, किससे ओपन करनी है, तो ओपन ही व्हाट विद। तो मैंने आपको बोला वैसे कि पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद प्रेपोजिशन। यहाँ पर एक दूसरा लिखा है राइट अ लेटर, लेटर लिखू, लेकिन किसको लिखना है लेटर, तो हू टू। ओके, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा पूरा कि जब भी कोई कमांड होता है कि इंस्ट्रक्शन होती है वो आधी है और उसको हमें क्लैरिफाई करना है कि कंप्लीट करना है, काम हम करने के लिए रेडी है लेकिन इंस्ट्रक्शन कंप्लीट चाहिए, तो इसके लिए जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव रिस्पॉन्स। इसी चैप्टर में सेम है, जो इंट्रोगेटिव रिस्पॉन्स है वो दो तरीके से यूज होता है, एक तो सेंटेंस आधा होता है तो हमें समझ में नहीं आता तो हम क्वेश्चन करते हैं, और दूसरा क्या होता है कि कोई ऐसा सेंटेंस होता है जो सुन के हम चौंक जाते हैं, है ना, हमें सरप्राइज लगता है, तो उस टाइम पर भी हम इंट्रोगेटिव रिस्पॉन्स का यूज करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा चेंजेस है। अगर सरप्राइज जैसा लगा कि बोल आइडिया हमें सरप्राइज लगा, तो उसका उल्टा करना पड़ता है, जो क्वेश्चन वर्ड है वो पीछे चला जाएगा और प्रेपोजिशन आगे आ जाएगा। उसके सेंटेंस भी मैंने यहाँ लिखे हैं, देखो यहाँ पर लिखा है ओपन द बॉटल, कि बॉटल ओपन करो, तो यहाँ पर आधी इंफॉर्मेशन है, तो क्लैरिफिकेशन के लिए हमने क्या बोला कि व्हाट विद, किससे ओपन करें, तो ये हमारे ऊपर के जैसा ही, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में आप देख सकते हो ओपन द बॉटल विद दिस पिन, इस पिन से आप बॉटल को ओपन करो, तो हमें सरप्राइज लगेगा कि ओपनर से तो बॉटल ओपन कर सकते हैं लेकिन पिन से, हाँ पिन से कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन कंप्लीट दी है, यहाँ क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है वो पहले लिखना है और क्वेश्चन वर्ड बाद में जाएगा, तो विथ व्हाट। थर्ड सेंटेंस देखो, सेंड दिस पार्सल, ये पार्सल को सेंड करो, लेकिन किसको करना है, हाफ इंफॉर्मेशन, सो वी पुट अ क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट एंड प्रेपोजिशन टू लास्ट, तो हु टू। देन फोर्थ है सेंड दिस पार्सल टू निशा, कि ये पार्सल निशा को सेंड करो, ये पूरी इंफॉर्मेशन है फिर भी हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये जो आइडिया है कि निशा को पार्सल भेज रहा है, ऐसे सरप्राइज लगा सामने वाले को, क्या लगा, सरप्राइज लगा, और उसने कैसे क्वेश्चन पूछा, टू हु। तो बस इतना फर्क है कि अगर हाफ इंफॉर्मेशन है और इंट्रोगेटिव रिस्पॉन्स आएगा तो आपको क्या करना है, पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आएगा प्रेपोजिशन, और इंफॉर्मेशन कंप्लीट है लेकिन आपको सरप्राइज आइडिया जो है वो थोड़ा स्ट्रेंज लगता है कि एकदम अलग लगता है, तो उस टाइम पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेपोजिशन पहले लगाना है और क्वेश्चन वर्ड बाद में। तो इस आपके बुक में क्या दिया है, सेपरेट सेपरेट एक्सरसाइज दी, तो सेपरेट एक्सरसाइज आप इजीली कर लोगे, लेकिन मैं आपको जो कुछ सेंटेंस सॉल्व करके दिखाऊंगी वो मैं मिक्स करके आपको सिखाऊंगी। ओके, देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 11 एंड एक्सरसाइज 12 दोनों के सेंटेंस मैंने मिक्स किए
और एग्जाम में भी मैं ऐसा ही करूंगी, क्योंकि तो अलग अलग सेपरेट दूंगी तो वो तो बहुत ही इजी हो जाता है, हमें समझ में आ जाएगा कि एक जैसे पैटर्न में जाना है। इसके लिए मैंने दोनों एक्सरसाइज के सेंटेंसेस कंबाइन करे, तो आपको भी ऐसे ही करना, नोट में आप सेपरेट सेपरेट लिखना, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही आएगा, मिक्स आएगी। ओके, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला क्या है, सेंड ई एट वंस, तो सेंड करना है, तो देखो यहाँ पर आधी इन्फॉर्मेशन है ना, हाफ इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव रिस्पॉन्स लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, सेंड करना है तो जगह का नाम है, तो वेयर टू कहाँ पर भेजना है, तो हम पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। ओके, वेयर टू देन क्वेश्चन मार्क। सेकेंड है कट द स्ट्रिंग, के डोरी को कट करो, तो किससे करेंगे, तो व्हाट विथ व्हाट, सिंपली तो विथ व्हाट निकल जाएगा हमारे मुंह से, लेकिन क्या है, हाफ इंफॉर्मेशन है, दैट वी हैव टू पुट अ क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट एंड देन प्रेपोजिशन, तो व्हाट विथ, व्हाट विथ। देन थर्ड है आई कैन हियर ऑन अ बाइसिकल, देखो यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि मैं साइकिल के आया था, है ना, आई कैन हियर ऑन अ बाइसिकल, तो ऑन देखो प्रेपोजिशन अंदर दिया है, ये वाले बहुत सिंपल लगे कि आपको, क्योंकि प्रेपोजिशन तो अंदर है, फिर आपको क्वेश्चन वर्ड ही माइंड में लाना है, तो ऑन व्हाट क्या आएगा, ऑन व्हाट, ये सरप्राइज लग रहा है कि बाइसिकल सर, वैसे यू कैन कुक फिश ऑन अ कैंडल, फिश को कुक करनी है लेकिन किस पे, ऑन ऑन अ कैंडल, तो ऑन व्हाट देन क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ है टेल मी अ स्टोरी, कि मुझे स्टोरी बताओ, लेकिन ये आधी है ना, कि स्टोरीज तो बहुत सारी होती है, तो अबाउट व्हाट, व्हाट अबाउट, क्वेश्चन मार्क पहले रखना है ना, टेल मी अ स्टोरी हाफ है, तो व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट क्वेश्चन मार्क। देन गो एंड प्ले, गो जाओ यहां से, तो कहां जाए, वेयर टू क्वेश्चन मार्क, देन एंड और प्ले, ये भी वर्ब फॉर्म है, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है, तो प्ले तो किसके साथ खेले, जाए कहां, तो वेयर टू प्ले, किसके साथ खेले, तो हु विथ, कि किसके साथ खेले, है ना, गो वेयर टू प्ले के किसके साथ है। उसके बाद है सेवेंथ में आई सो हिम डांसिंग विद अ पेट, मैंने उसको एक परी के साथ डांस करते हुए देखा, तो किसके साथ, ऐसे सरप्राइज, तो ये क्वेश्चन वर्ड बाद में चला जाएगा, प्रेपोजिशन आगे रहेगा विद हु, किसके साथ डांस करते हुए देखा, आई सो हिम डांसिंग विद अ फेयर, तो विद हु। देन एट में दिया है दीज चॉकलेट फॉर यू, देखो यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन सामने वाला पूछ रहा है क्या बोल रहा है, फॉर हु, इसके लिए मेरे लिए, हम बोलते हैं ना कई बार, तो यही है इंट्रोगेटिव रिस्पॉन्स, कि जैसे पापा आपके लिए ढेर सारे गिफ्ट लाए हो और बोले कि ये आपके लिए, तो वापस नहीं पूछे, सच में मेरे लिए, तो ये यही है इंट्रोगेटिव रिस्पॉन्स, तो इसमें क्या बोला है, दीज चॉकलेट्स आर फॉर यू, तो फॉर हु क्वेश्चन, ये आंसर्स है सारे, मैं यहां पर अंडरलाइन कर रही हूं जिससे आपको क्लियर दिखे, यहां पर दो आंसर आ रहे हैं, ओके, आप इसको पोज करके लिखना हो तो लिख भी सकते हो, यहाँ पर मैंने आपको एक सेंटेंसेस करके दिखा है, अंदर बहुत सारे हैं, एक एक एक्सरसाइज में आई थिंक 10 और 20 15 जितने हैं, तो आपको क्या करना है, ऊपर की इंस्ट्रक्शन भी आपको लिखनी है और उसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 11 एंड 12 दोनों आपको नोटबुक में लिखना है।